मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। मुमरा के चरनीपाड़ा इलाके में पानी की पाइपलाइन काटकर पाइप चोरी की घटना हमेशा सामने आ रही थी, मगर आज कुछ लोगों ने तो लड़कों को पानी की पाइपलाइन काटकर पाइप चोरी करते हुए पकड़ लिया। पाइप काटने वाले दोनों लड़कों को पकड़ने के बाद इन्हें खंभे से बांध दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद इन दोनों लड़कों को छोड़ दिया गया। दोनों लड़कों ने बताया कि ये पाइप काटकर पाइप को भंगार की दुकान पर बेचा करते थे। थाने शहर के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर के रूम में एक जहरीला सांप मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सर्प मित्र को बुलाया गया और पुलिस स्टेशन में जहरीले सांप को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। थाने के साईं बाबा मंदिर के पास वर्तक नगर के नजदीक एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार बुरी तरह से जल गई है, मगर किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। नवघर पुलिस स्टेशन में 27 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी और इसमें मदद करने का भरोसा नवघर पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक कांस्टेबल ने इस महिला से की थी, मगर इस महिला के साथ अलग अलग मौकों पर इस कांस्टेबल ने बलात्कार किया। हालांकि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नेताओं के घरों को आग भी लगा दी है। श्रीलंका में 2,20,00,000 की आबादी है और आर्थिक संकट के बीच यहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयाँ तक महंगी हो गई हैं, साथ ही यहाँ पर इनकी कमी भी हो गई। एक तरह से श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखकर ही प्रहार टाइम।